Hello students and welcome back to BankExamsToday.com. My name is Ramandeep Singh. Students, Central Bank of India Credit Officer 2024 exam held yesterday on 10th of March 2024. And today I am going to share the list of questions asked, jo questions I the professional knowledge section mein. That's what I am going to share because the students have shared share If you are preparing for PNB S O Credit Officer or Union Bank of India Credit Officer exams, this session would help you. अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर या क्रेडिट एनालिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन बहुत हेल्प करेगा आपको सो माई नेम इज़ रमनदीप सिंह एंड हैव बिन टीचिंग ऑन बैंक एग्जाम टोडे फ्रॉम लास्ट ट्वेल्व इयर्स नाउ सो जस्ट अ सेकेंड लेट मी जस्ट हाइड माई फेस दिस इज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ओके ट्वेंटी ट्वेंटी फोर डेट सर्विस कवरेज रेशियो फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम रेशियो एनालिसिस रेशियो एनालिसिस से डायरेक्टली आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन आई टोल्ड यू अलॉट ऑफ क्वेश्चन वुड बी देर फ्रॉम रेशियो एनालिसिस करंट रेशियो एंड एसेटेस्ट रेशियो अगेन रेशियो एनालिसिस ठीक है अगेन रेशियो से क्वेश्चन आया है स्टैंडअप इंडिया स्कीम गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आया है गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आया है मुद्रा योजना Uh, सूर्योदय योजना दिस इज अगेन गवर्नमेंट स्कीम अगेन गवर्नमेंट स्कीम सरसाई की फुल फॉर्म है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकन्स्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ये जनरल क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स टीचर्स भी ये कोई खास करवाते नहीं है बिकॉज ये सी इट्स अ जनरल अवेयरनेस अगर आपकी बेसिक uh, अंडरस्टैंडिंग है क्रिलिक का क्या परपज़ है आर का जो प्लेटफॉर्म है इंपॉर्टेंट एस एड क्लासिफिकेशन इन आई आर एस नॉम्स सो दरबीआई गाइडलाइन ये आर बी आई की गाइडलाइन है सो दिस इज एन आरबीआई सर्कुलर टर्न ओवर मैथड एग्जाम में आया है सो टर्न ओवर मैथड एग्जाम में आया है सो दिस मैथड इज यूज टू कैल्कुलेट द वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने का ये मेथड है टर्न ओवर मैथड राइट सो इट वॉज इन द एग्जाम सो दिस इज फ्रॉम वर्किंग कैपिटल दिस इज फ्रॉम वर्किंग कैपिटल ओके लेट्स मूव फॉर्वर्ड कैश बजट मेथड अगेन आपका वही वर्किंग कैपिटल वाले मेथड डेट इक्विटी रेशियो ये आई गेस रिपीट हुआ है डेट इक्विटी रेशियो रेशियो एनालिसिस में से आया है एमएसएमई इंटरेस्ट रेट हाउसिंग लोन आरबीआई के सर्कुलर से क्वेश्चन है चार्ज क्रिएशन एंड मॉर्गेज देर वॉज ए क्वेश्चन फ्राम स्मॉल कंपनीज कुछ ज्यादा क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स ने यही प्रोवाइड करा है नंबर ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ सब्सिडरीज एज पर कंपनीज एक्ट सो कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन है सी आई एफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट दिस इज फ्राम के वाई सी गाइडलाइंस आर बी आई की गाइडलाइंस हैं आर बी आई गाइडलाइंस आई गेस अभी ही रिसेंटली ही करवाया है ये uh, कल या परसों ही करवाया YouTube पे भी available है यूट्यूब पर भी अवेलेबल है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन टाइम लिमिट दिस इज द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पी एस एल दिस इज अगेन आर बी आई सर्कुलर सरफाईसी का फुल फॉर्म बेसिक क्वेश्चन ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम सरफाईसी का फुल फॉर्म क्या है वॉच डॉग ऑफ एल आई सी एफ ए टी एफ फुल फॉर्म अगेन दिस क्वेश्चन वी डिड यस्टरडे के वाई सी में ही हमने करा है एफ ए टी एफ के वाई सी गाइडलाइन में से डायरेक्टली क्वेश्चन है ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन वी डिड थ्री डेज बैक हमने तीन दिन पहले के वाई गाइडलाइन की क्लास करी है उसमें ओ और एफ दोनों करे हैं हमने सो पी एस एल लिमिट फॉर ए डब्ल्यू एस फॉर यूसीबीज बीज अगेन आर आर बी आई की गाइडलाइन है प्रायरिटी सेक्टर लैंडिंग ये तीसरा क्वेश्चन आ गया है यहाँ से अगर आप देखें रेशियो एनालिसिस डीएस सी आर रिपीट है ठीक है एसडेस्ट ऑल पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन ये अकाउंट से क्वेश्चन है बेसिक अकाउंट्स अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज ये कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन आया है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड डेप्रिसिएशन टॉपिक से क्वेश्चन है बेसिक एम पी सी ऑब्जेक्टिव डेबोस एजेंडा ये जनरल अवेयरनेस है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड वी हैव इट दिस इज सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम ऑल्सो क्वेश्चन वर देयर ऑन लीन एंड प्लेज डिफरेंस बिटवीन लीन एंड प्लेज रिस्क वेटेड एसेट फॉर क्रेडिट कार्ड दिस इज एन आर बी आई गाइडलाइन दिस इज एन आर बी आई सर्कुलर ये रिसेंटली चेंज हुआ था वायु वंदना योजना एंड स्टैंड अप लोन फॉर वुमेन एस सी एस टी लिमिट अगेन अ गवर्नमेंट स्कीम ओके गवर्नमेंट स्कीम सो दीज आर द क्वेश्चन आस्ट इन द एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स पूछे गए थे हाउ दिस सेशन कैन हेल्प यू आउट दिस वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्ट इन द एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अलॉट ऑफ क्वेश्चन फ्राम आर बी आई सर्कुलर अलॉट ऑफ क्वेश्चन फ्राम गवर्नमेंट स्कीम्स अलाट ऑफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली फ्राम पी एस एल आई आर ए सी के नॉर्म्स uh, या वर्किंग कैपिटल कुछ नया ये है कि कंपनीज एक्ट में से क्वेश्चन आए हैं नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से नहीं आए जनरली नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से काफी क्वेश्चन आते हैं लेकिन इस बार कंपनीज एक्ट में से आए हैं नेगोशियेबल एक्ट में से क्वेश्चन नहीं आए रेशियो एनालिसिस में से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं तो ये बाकी काफी जनरल क्वेश्चन भी हैं सरफारसी का फुल फॉर्म क्या है तो ये एक बहुत ही एक बेसिक और जनरल क्वेश्चन था सरसाई का फुल फॉर्म क्या है क्रिलिक क्या क्या काज है दीज आर वेरी जनरल बेसिक क्वेश्चन राइट सो इन दीज एग्जाम्स ही स्टूडेंट्स आई डिट अपेयर फॉर द एग्जाम बट जनरली फोर्टी परसेंट थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट जो है कट ऑफ रहता है फॉर जनरल कैटेगरी दिस इज द जनरल कैटेगरी का ये ही कट ऑफ रहता है बट परपज ऑफ दिस सेशन दट आई हैव डेट टूडे इज फॉर द स्टूडेंट जो यू बी एर पी एन बी का एग्जाम देने वाले हैं आई वॉन्ट टू क्लेरिफाई द कांड ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम द पेपर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट

if you are able to achieve that uh, you'll get the call for the interview. Most of you are going to get the call for the interview. अगर आप तैयारी कर रहे हो अगर आपने अच्छे से पेपर दिया है तो most of you are going to get the call for the interviews. And if you have attempted really well, अगर आपने exam का attempt अच्छा करा है मैं कौन होता हूँ या फिर कोई और teacher कौन होता है आपको बोलने वाला कि आप interview की तैयारी ना करो We are nobody. We are just teachers. ये आपने अपने आप से पूछना है कि आपने कितना अच्छा एग्ज़ाम करा है अगर आपको लगता है कि तीस uh, परसेंट से ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे पच्चीस परसेंट से ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए अगर तैयारी नहीं भी करेंगे तो क्या करेंगे आप कुछ भी नहीं करेंगे तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ़ॉर द इंटरव्यूज़ टैम श्योर sure. क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स का नंबर उतना नहीं है मेजॉरिटी ऑफ़ द कैंडिडेट लॉट ऑफ द कैंडिडेट्स आर गोइंग टू गेट द इंटरव्यू कॉल्स उतने कैंडिडेट तो पेपर देने ही नहीं, नहीं गए मैंने भी भरा था क्योंकि हमने एग्जाम देखना होता है बट द फैक्ट इज दैट आई इन गो क्योंकि सेंटर दूर पड़ा तो हम नहीं दे, देने नहीं गए हमारी टीम में ऐसे कोई नहीं देने गए बट जनरली टीचर्स भी जाते हैं तो वो भी फॉर्म खराब ही है बेसिकली तो आई uh, रिकमेंड कि आप अपनी तैयारी शुरू करें हंड्रेड परसेंट करें लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स अ लॉट ऑफ द कैंडिडेट्स दे डू नॉट अपेयर फॉर द एग्ज़ाम अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स डू नॉट अपेयर फ़ॉर द इंटरव्यूज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स डू नॉट जॉइन क्योंकि उन्होंने मल्टीपल एग्जाम दिए होते हैं तो यहाँ पे बहुत इफ़ एंड हाउ बहुत कुछ है तो आपका एक बहुत अच्छा प्रॉबिलिटी है सिलेक्शन लेने का जस्ट गो फॉर इट Start your interview preparation today itself. How to start your preparation? I'll do another video वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको अपनी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए सो so, अभी के लिए दैट्स ऑल्व फॉर टू डे स्टूडेंट्स थैंक यू एन ए वेरी नाइस डे बाय